हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये जो एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस मैं इन्हीं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हमें अभी इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले हमने मिड टर्म स्प्लिट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला टू सॉल्व देम। तो विल स्टार्ट नाउ, वी हैव दिस, और यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई। यू कैन ईजिली सी दैट इफ वी टेक एलसीएम, सो एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, है ना। एक्स को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स। नाउ यू कैन सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन सी दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड। वी हैव थ्री मेथड्स ना, एंड यू कैन सी दैट वी कांट सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मिड टर्म स्प्लिट, बिकॉज वी डोंट नो एनी फैक्टर्स ऑफ वन, जिनको माइनस करने पे हमें क्या मिले, थ्री मिले, कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो कुछ इक्वेशंस हमारी ऐसी होती है जिन्हें आप मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऑल दो यू कैन फाइंड सम फ्रैक्शनल रूट्स, तो लेकिन फिर भी आपके लिए उनमें अंडर रूट में रूट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट मेथड। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यू कैन सी दैट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज फॉर द रूट्स। तो रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, वन, बी की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, माइनस थ्री, एंड सी की वैल्यू माइनस वन। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यूज होगी। नाउ वी कैन प्लेस दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला, एंड देन कैन सॉल्व इट। तो यहां पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, इफ वी प्लेस द वैल्यूज ना, सो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी माइनस थ्री था तो प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आएगा, नाइन आएगा, माइनस फोर ए सी, तो ए वन है और सी माइनस वन है तो प्लस फोर हो जाएगा, है ना, अपॉन टू ए, तो टू ए, ए की वैल्यू वन है तो टू, तो थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, सो द रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू थ्री प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू। तो दीज आर दी सॉल्यूशंस, दीज आर दी आंसर्स। सो ये हमारे आंसर्स हो गए। यू कैन सी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें यहाँ पे रूट्स ही फाइंड करना है, उन्होंने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, फिर फॉर्मूला लगाया हमने, कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो वी हैव थ्री फॉर्मूलाज, थ्री मेथड्स ना, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला अप्लाई किया, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ वी हैव द सेकेंड इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ही ले लेंगे। तो इफ वी टेक एलसीएम ओवर हियर, द एलसीएम में डिनोमिनेटर एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस सेवन। यू नो दैट कि यहाँ पे आपको किससे इंटू करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एक्स माइनस सेवन से ना, तभी डिनोमिनेटर एक्स माइनस सेवन, एंड इन दिस एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी। नाउ यू कैन सी दैट इफ यू ओपन द ब्रैकेट ना, वी गेट माइनस फोर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी, है ना। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस इलेवन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी। यू कैन कैंसिल आउट इलेवन बाय इलेवन, तो वन हो जाएगा बोथ ऑफ द साइड में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट, ये माइनस वन बचेगा, वो थर्टी मिनट होगा तो माइनस थर्टी। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में, कुछ नहीं कि हमने 11 से 11 कट आउट कर दिया और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप ऑफ कर दिया। नाउ वी कैन ट्रांसपोज दिस माइनस थर्टी इन अवर लेफ्ट साइड एंड वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स
-28 + 30 = 0, एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0. सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन एंड वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड. नाउ अगेन वी अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और वी कैन डू इट बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो आप ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है. क्यों डन है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक स्क्वायर नंबर बनाना होता था और यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है? 1. तो 1 इटसेल्फ अ स्क्वायर नंबर ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ इन द सेकेंड स्टेप वी नो दैट क्या करना होता है सेकेंड स्टेप में, 2ab. ए कितना है? एक्स है. बी बनाना है. तो बी कैसे आएगा? 2a. मैंने बोला था इसको इससे डिवाइड कर दो, बी लाना है. 3/2. तो बी कितना आ जाएगा? 3/2. नाउ बी मिल गया. अब बी के स्क्वायर को प्लस करेंगे और क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो एक्स स्क्वायर 2 × x × 3/2. 3/2 के स्क्वायर को क्या करना है? एड एंड सब्ट्रैक्ट. ठीक है, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. दैट इज अवर थर्ड स्टेप. ए स्क्वायर -2ab + b² वी गेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर और जो रिमेनिंग टू टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका. ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव. नाउ वी सॉल्व दिस ना बाय टेकिंग एलसीएम. तो 9 - 8/4 होगा तो 1/4 आ जाएगा. यू कैन सी इट इज वेरी सिंपल, है ना. वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड. हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको आपको सारे मेथड्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट करेंगे ना 1/4, तो वी गेट +-1/2. बस हो गया. अब एक बार प्लस वैल्यू ले लो, एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लो, दोनों रूट्स मिल जाएंगे. तो केस वन ले लेते हैं. केस वन में क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू +1/2 ले लिया और ये 3/2 जाके भी उधर प्लस हो जाएगा तो वी गेट 4/2 यानी कि 2. तो एक वैल्यू तो आ गई 2. और केस 2 में क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू -1/2 + 3/2, तो 2/2 एंड वी गेट 1. तो हेयर वी हैव टू रूट्स, 2 and 1. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, 2. तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1, 2 और इस वाली इक्वेशन के रूट्स होंगे 3 + √13/2 एंड 3 - √13/2. तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी. यू कैन सी वेरी इजीली बहुत. हमने दोनों मेथड्स मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराए हैं. कुछ नहीं करना है. वैसे भी ये वाली इक्वेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में काफ़ी आता है ये वाला क्वेश्चन. हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेना. रेफरेंस बुक से भी यू कैन डू इट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 3 marker में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में भी आएगा आपके. तो ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रेंड्स होपफुली समझ आएगा. कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर कोई भी मेथड अप्लाई करो, किसी भी मेथड को अप्लाई करो, सॉल्व कर दो, रूट्स निकाल लो. इसमें तो आपको इक्वेशन भी फॉर्म नहीं करनी थी. इक्वेशन आपको पहले से ही थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में दी थी, फ्रैक्शनल फॉर्म में दी थी. ऐसा इसलिए दिया था क्योंकि अभी जब आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो ना, तो उसमें जो इक्वेशन फॉर्म होगी ना, वो इस वाले फॉर्म में ही फॉर्म होगी. तो हमें जब सिंप्लीफिकेशन पहले से आता होगा तो आप इजीली कर लोगे, है ना. तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन. अगर आपको मेरे साथ क्लास 10 का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है और मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.